नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन टीवी। आपके साथ मैं हूं रूपनारायण शर्मा। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों की तरफ। हल्द्वानी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अतिक्रमण के नाम पर पहाड़ के लोगों को उजाड़ने का आरोप लगाया। हरीश रावत ने कहा कि वन पंचायत के अधिकारों में भी वन विभाग ने अतिक्रमण कर रहा है और हाईकोर्ट में सरकार लोगों का सही पक्ष भी नहीं रख पा रही है। यही वजह है कि अब लोगों के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। हाईकोर्ट ने एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में आदेश दिया है। राज्य सरकार को चाहिए था कि जिन जिन चीज़ों का जो चिन्हीकरण हो रहा है, जो चिन्हीकरण आज आतंक का पर्याय बन गया है और वो गहराई से जो इस तरीके की संपत्तियों की और इस तरीके के तथाकथित अतिक्रमणों की जांच करते, उनका वर्गीकरण करके माननीय हाईकोर्ट के सामने पूरी तथ्य लेकर के जाते। और मेरी तो मांग है माननीय मुख्यमंत्री से कि तत्काल चिन्हीकरण का यह अभियान रोका जाए। इससे उत्तराखंड में नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के दावों के बीच डेंगू के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश में अब तक करीब 650 से ज्यादा डेंगू के मामले दर्ज किए जा चुके हैं। देहरादून में लगभग 430 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। देहरादून में नगर निगम सभी वार्डों में डेंगू की रोकथाम के लिए फिर एक बार फॉगिंग अभियान चलाने जा रहा है। मेयर सुनील उनियाल गामा का कहना है कि पेट्रोल डीजल की मात्रा को बढ़ाने से नगर निगम कर्मचारी ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में जाकर फॉगिंग कर सकते हैं। नगर निगम लगातार फॉगिंग करा रहा, लेकिन डेंगू के केस जो है लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए पब्लिक में भय का वातावरण भी है। इसके लिए आज से हमने तय किया है कि शाम को जहाँ जहाँ जिस जिस क्षेत्र में डेंगू के केस ज़्यादा मिल रहे हैं वहाँ नगर निगम की टीम एक अलग से अभियान चलाएगी। आज जैसे अभी तो मेरे संज्ञान में आया कि सरस्वती बिहार का जो क्षेत्र है वहाँ भी अधिक मात्रा में डेंगू के पेशेंट हैं, तो आज नगर निगम की टीम वहाँ जो है अलग से फॉगिंग की व्यवस्था भी। राजधानी देहरादून में बिजली के खंभों पर बेतरतीब ढंग से लगे केबल वायरों को हटाने के लिए मुख्य नगर आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्य नगर आयुक्त मनोज गोयल ने केबल ऑपरेटर और अन्य लोगों से मुलाकात कर उन्हें जल्द से जल्द केबल हटाने के निर्देश दिए। मुख्य नगर अधिकारी ने कहा कि इन बेतरतीब ढंग से लगे केबलों से एक तो खूबसूरती प्रभावित हो रही है और दूसरा उससे कई तरह की दिक्कतें भी सामने आ रही हैं। हम केबल ऑपरेटर्स, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, इंटरनेट ऑपरेटर्स, टेलीकॉम ऑपरेटर्स सबके साथ समन्वय बना के ये प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी शहर में अतरंगी तरीके से तार लटके हुए हैं विभिन्न पोल्स पे, उनको सुव्यवस्थित कर लिया जाए। और बहुत सारे डिफंक्ट तार भी लगे हुए हैं, जो लोग अपने तार खराब हो जाते हैं उनको हटाते नहीं हैं, नए तार डालते रहते हैं, तो उस वजह से पोल्स के बीच में जो लटके हुए तार हैं उनसे एक बदसूरती पूरी फैल जाती है। तो इसको सुव्यवस्थित करने के लिए और इसको ठीक करने के लिए सभी ऑपरेटर्स को, इन सब लोगों को निर्देश दिए गए हैं कि अपनी तारों को सुव्यवस्थित करें और ख़राब तारें हटाएं, और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो हम लोगों के स्तर से वो तारों को काटने की कार्रवाई करी जाएगी। बागेश्वर उपचुनाव में चुनाव प्रचार के बाद लौटे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी पार्वती दास की एक तरफा चुनाव जीत का दावा किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को बागेश्वर में रोड शो भी किया। बागेश्वर उपचुनाव में भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के विकास के विजन को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। सर का जो उपचुनाव है वो वन साइडेड है, एक तरफा है। चंदन रामदास के कार्य, इसके साथ साथ वहाँ के पुष्कर सिंह धामी जी का जो क्षेत्र का विकास है जो उन्होंने इस बीच में घोषणाएं की, उन सबको ध्यान में रखते हुए जहाँ जहाँ हम लोग गरुड़ की विशालतम जनसभा, फिर आपका बागेश्वर के अंदर जो रोड शो निकला उसका, और कल खरई पट्टी में जो अभूतपूर्व जनसभा हुई, इसके आधार में कह सकता हूँ चुनाव एक तरफा है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से विधानसभा को जीतने वाली। हल्द्वानी विधायक सुमित रिधेश ने 5 सितंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। सत्र के लिए देहरादून जाने से ठीक पहले
सुमित रिदेश ने कहा कि यह सरकार जनता के मुद्दों पर जवाब देने से भागती है, इसलिए विधानसभा सत्र को 2-3 दिन में समाप्त करके केवल औपचारिकता पूरी की जाती है। उन्होंने कहा कि दर्जनों विभाग मुख्यमंत्री के पास हैं, लेकिन उन विभागों के प्रश्न देने के बजाय मुख्यमंत्री सदन में कुछ नहीं बोलते। ये जो सत्र है अनुपूरक बजट जिसमें पेश करा जाएगा, इसकी जो अवधि है वो अवधि एक मजाक है। सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। सदन का पटल एक जगह होती है जहाँ पे विपक्ष खुल के जनता के हित के जो विषय होते हैं उन पे सवाल उठाता है और सरकार प्रयास करती है कि जवाब दे पाए। लेकिन पिछले वर्ष अगर 2022 की हम बात करें, मात्र 8 दिन सत्र चला है। 8 दिन 365 में से अगर 8 दिन ही केवल सरकार को हम कटघरे में खड़े करके सरकार से सवाल पूछ सकते हैं और जनहित के सवाल पूछ सकते हैं, कोई व्यक्तिगत मसला तो है नहीं। और उसमें भी सरकार अगर अपनी जिम्मेदारियों से भागी है और सदैव भाग रही है तो आप सरकार की मंशा को समझिए। विधानसभा के आयोजित होने वाले सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि बीते 2 साल में सदन सिर्फ 12 दिन ही चला, इस बार भी सदन सीमित है। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान जन्माष्टमी और शिक्षक दिवस है, सत्र की सूचना लगभग 14 दिन पहले देनी चाहिए। उन्होंने बताया कि आपदा से मैदान और पहाड़ में बहुत नुकसान हुआ और किसानों को अब तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। किसानों की जो फसल है छोटी, जो छोटे मझोले के काश्तकार है, इनको किसान जंगली जानवरों से परेशान है, लेकिन जो उन्होंने अपनी मेहनत से फसलें उगाई हैं वो भी बारिश की वजह से सब प्रभावित हुई, सब कुछ चौपट हो चुका है, मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। ये विषय बहुत गंभीर है, इन विषयों को हम जरूर सदन में रखना चाहेंगे। बाकी आज विधानमंडल दल की कांग्रेस विधानमंडल हमारे सारे वरिष्ठ और हमारे सहयोगी विधायक फिर बैठकर चर्चा करेंगे, उसके बाद अंतिम रूप दिया जाएगा। लेकिन यह मुद्दे जो मैं जिसका जिक्र कर रहा हूँ, विधानसभा सत्र को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने ड्यूटी पॉइंटों का निरीक्षण किया। इस दौरान एसएसपी ने अधीनस्थ अधिकारियों को विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा के समुचित प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही विधानसभा के आसपास पूर्व में निर्धारित किए गए स्थान पर प्रभावी बैरिकेडिंग व्यवस्था सुनिश्चित करने और बैरिकेडिंग पर समुचित संख्या में पुलिस बल की नियुक्ति करने के निर्देश दिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर वी षणमुगम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बागेश्वर उपचुनाव से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। बागेश्वर उपचुनाव में आचार संहिता उल्लंघन के कुल 2 प्रकरण आए हैं, दोनों में FIR दर्ज की गई। जब्त की गई अवैध शराब 3,350 लीटर है जिनकी कीमत 18,96,000 है। राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क के अंतर्गत आने वाले गोहरी रेंज के नीलकंठ मार्ग पर करीब 65 सालों से रहने वाले टाट बाबा के नाम से प्रख्यात साधु की कुटिया को पार्क प्रशासन ने तोड़ दिया, जबकि टाट बाबा को सुप्रीम कोर्ट ने वनवासी घोषित किया है। पार्क प्रशासन ने टाट वाले बाबा को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण भी ली थी। साधु संतों का कहना है कि पार्क की भूमि पर कुनाऊ गांव में कई रिजोर्ट बन गए, लेकिन पार्क प्रशासन उन्हें हटाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। हाई कोर्ट के निर्देश पर प्रदेश भर में चल रही अतिक्रमण की कार्रवाई पर अब पहाड़ी विधायकों ने विरोध के स्वर उठाने शुरू कर दिए हैं। अतिक्रमण हटाने पर जिला प्रशासन की कार्रवाई को विधायक भेदभावपूर्ण कार्रवाई करार दे रहे हैं। उत्तरकाशी के यमुनोत्री से निर्दलीय विधायक संजय डोभाल ने इस कार्रवाई पर भाजपा सरकार को घेरने का काम किया है। निर्दलीय विधायक की माने तो सरकार स्वरोजगार की बात करती है। कोविड काल में घर लौटे युवाओं ने पहाड़ों पर अपने लिए स्वरोजगार के अवसर की तलाश किए, लेकिन अब सरकार उनके साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है। अतिक्रमण के नाम पर उनके रोजगार को छीनने का काम कर रही है, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। वहीं विधायक के इन आरोपों पर भाजपा के विधायक पलटवार कर रहे हैं। धर्मपुर से भाजपा विधायक विनोद चमोली ने निर्दलीय विधायक पर बगैर जानकारी के बयानबाजी करने का आरोप लगाया है। आज पूरे प्रदेश के अंदर अतिक्रमण के विरुद्ध एक बड़ा अभियान चल रहा है और हमने प्रदेश के अंदर एक कड़ा कानून अतिक्रमण को लेकर भी आए हैं, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं
विपक्ष ने या तो ठीक से अध्ययन नहीं किया, उनकी जानकारियां कमी है। पहाड़ों में तो अगर मुश्किल से कोई 10 फीट 20 फीट का अतिक्रमण होता है, जो शहरों में है ये तो पूरी की पूरी मलिन बस्तियां हजारों नहीं तो सैकड़ों बीघा जमीन में बसी हुई हैं और वहां पे कोई सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो ये न्यायती गलत चीज है, ये पहाड़ के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और मैं इस अन्याय के बिल्कुल खिलाफ हूं। A1 उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहे A1 TV। नमस्कार।